फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और स्वागत करती हूँ आपका अपने नए ब्लॉग में। तो मॉर्निंग की शुरुआत हमारी हो गई है आज बाथरूम में जाले साफ करने के साथ, क्योंकि बाथरूम में ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पर अक्सर हम मिस कर जाते हैं। और काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी इसे साफ करूँगी, बट बाद में मैं भूल जाती और ये पोर्शन हमारा ऐसे ही रह जाता था। तो आज जैसे ही मैंने सोचा और उसके बाद मैंने तुरंत मम्मी से झाड़ू लेके बस वहाँ के जाले जो हैं उसको भी साफ़ कर दिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ये सफाई नहीं हो पाई थी। और इसके बाद हमारा जो डेली रूटीन होता है वो भी हो रहा है हमारा झाड़ू पोछे का। और आज हमारा है फेस्टिवल टाइम, क्योंकि आज है हमारा करवा चौथ। और वैसे मेन तैयारी तो हमारी भाभी को ही करनी है, लेकिन कहते हैं जब हमारा फेस्टिवल टाइम होता है तो थोड़ा सा हमारा रूटीन वगैरह भी चेंज हो जाता है और हमारा काम भी चेंज हो जाता है। तो मेरा काम शाम का होगा ज़्यादातर, क्योंकि खाना वगैरह जो हमारा मेन बनना है वो शाम को ही बनना है। और भैया भी बैंक गए हैं, भैया खाना वगैरह खा के गए थे और तब तक हमने अपनी साफ़ सफाई जो है वो कर ली है, क्योंकि हमें अभी खाने की उतनी चिंता नहीं थी। और चिंता क्यों नहीं थी वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो फिलहाल मैं मॉर्निंग में ही अपनी सारी साफ़ सफाई कर ले रही हूँ, क्योंकि ये पोर्शन काफ़ी गंदा हो जाता है। और आज हमें डबल सफाई करनी पड़ी, क्योंकि जब मैं बाद में आई थी तो मुझे दोबारा भी इसकी सफाई करनी पड़ी थी। और फाइनली देखिए हमारा जो बेड है काफ़ी क्लियर हो गया है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो फाइनली हम आ चुके हैं नहा के और अब हम जाएंगे कपड़े डालने, क्योंकि अभी मम्मी गई हुई हैं दवा लेने और उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आज मम्मी ने बोला था कपड़ों को उसमें मशीन में डालने के लिए, तो अभी हम फिलहाल वही चलेंगे। और मैंने सोचा उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए, बट मैं कैसे करूँ मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं रजत को बुलाऊँगी, आज रजत की छुट्टी है और आज है करवा चौथ, तो भाभी का फास्ट रहेगा और हम सारी अपनी तैयारी करेंगे। क्योंकि फास्ट में जैसे भाभी का फास्ट रहता है तो सारा खाना वगैरह की सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। तो व्लॉग में ऐसे ही बनी रही है, हम आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें दिखाएंगे, हम कैसे करते हैं क्या करते हैं, और मैं अपना वर्क वगैरह सब चीज़ें आपको दिखाऊंगी क्लियरली। और मैंने देखिए अभी पहले ही ये सब साफ किया था, अब इसका हाल देखिए। और यहाँ फाइनली हम जुड़ गए हैं दोबारा सफाई के लिए, क्योंकि ये बेड का पोर्शन काफ़ी गंदा दिख रहा था। और जब कोई चीज़ गंदी दिखती है या डस्ट वगैरह दिखता है तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। यही रीज़न है कि मैं जब नहा के आती हूँ उसके बाद ही मैं अपने बेड को साफ़ करती हूँ। फिलहाल फाइनली हमारा बेड साफ़ हो गया है, इसके बाद हम चल रहे हैं हमारे मशीन में कपड़े डालने के लिए, क्योंकि मम्मी गई हुई थी अभी हॉस्पिटल, क्योंकि उनको कुछ दवा वगैरह लेके आनी थी। और जब तक वो आएंगी तब तक मैं अपना यहाँ का काम निपटा लूँगी। और यहाँ फाइनली रजत ही मेरे लिए रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैंने फ़ोन उसी को दे दिया था। वैसे तो अब मैं ये सब काम अपना व्हीलचेयर से करती हूँ, बट मेरा आज फाइनली मन किया कि हम जैसे पहले करते थे, मतलब मैं जैसे पहले करती थी मैं उसी तरह से करूँ, तो इसलिए मैंने रजत को भी बुला लिया था, क्योंकि आज रजत की छुट्टी थी और आज से स्टार्ट हो गई हैं जो कि अभी दिवाली तक रहेंगी। और आगे आने वाला है हमारा दिवाली का फेस्टिवल, सच बताऊँ बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार है उसका। और शायद ये कहूँ कि दिवाली से ज़्यादा मुझे गोवर्धन का इंतज़ार होता है, तो शायद ये कहना हमारा गलत नहीं होगा। और रीज़न जब आपको अभी गोवर्धन का मेरा व्लॉग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गोवर्धन क्यों हमें ज़्यादा पसंद है। और दिवाली तो कहते हैं कि एक दिन का होता है और मेन हमारा फेस्टिवल जो होता है रात में ही होता है, और हम लोग पटाखे उतने नहीं जलाते हैं, बट हमारा जो गोवर्धन होता है उसकी तैयारी हमें पूरे दिन से करनी पड़ती है। तो सच में उस दिन बहुत मज़ा आता है, और जब सब लोग हमारे यहाँ आते हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं वो मथुरा साइड के हैं तो वहाँ पर इसे बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, तो बस उसी तरह से कुछ होता है। हालांकि अब उतने ज़्यादा लोग नहीं आ पाते, लेकिन जितने भी आते हैं पूरा दिन कितने अच्छे से बीतता है वो मैं अपने आने वाले व्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और अब कुछ दिनों से हमारा काम भी बढ़ने वाला है। और यहाँ पर मम्मी हमारी दवाई लेके आ गई थी, क्योंकि मेरी भी यहाँ से दवाई मिलती है CGHS से, क्योंकि हमारे जो पापा थे वो OFC में काम करते थे, जिसकी वजह से है मेरी मम्मी की दोनों की दवाइयाँ भी मिलती हैं। तो मम्मी को 2-3 महीने में जाना पड़ता है, तो बस मम्मी वहीं गई थी दवा लेने के लिए। और मम्मी के आने के बाद मुझे बस रोटी का काम करना था, क्योंकि मैंने कल रात में बनाए थे छोले जो कि काफ़ी रखे हुए थे, तो बस साथ में हमारा काम भी हो जाएगा खाने का, क्योंकि मम्मी भाभी का भी फास्ट है। और रचित के मुझे बस पराठे सेकने थे, वो मैंने दोपहर में सेक दिए थे। और उसके बाद फाइनली हम कर रहे हैं यहाँ की सफाई। और यहाँ पर चलने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारी कालीन बिछी होती है और जब मैं झाड़ू पोछा वगैरह लगाती हूँ तो उसको हटा दिया जाता है ताकि यहाँ पर सफाई हो जाए। और वैसे पूरे दिन इसको बिछा दिया जाता है, तो नॉर्मल जब मैं ऐसे चलती हूँ बैसाखी से तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है।
बट यहाँ का ये पोर्शन काफ़ी गंदा हो रहा था। मैंने सोचा था कि पहले कालीन नहीं बिछी थी तब मैं कर दूँगी, बट किसी वजह से हो नहीं पाया तो ये मैं बाद में ही कर रही हूँ। और इस पर व्हील चेयर निकालने में भी थोड़ा सा फंसती है, जिसकी वजह से मैं नॉर्मल ही बैसाखी से चल के यहाँ की सफाई कर रही हूँ। और वैसे एक से दो दिन पीछे मुझे यहाँ की पूरी सफाई करनी है, जिसमें मैं हॉल को और अपने जो हमारा रूम है उसको लेके कवर करूँगी। तो हो सकता है कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में मेरी जो साफ़ सफाई वाला है वो वाला पोर्शन देखने को मिले, कि मैं जब सफाई करती हूँ अपने रूम की और हॉल की तो किस तरह से करती हूँ। हालांकि मैंने पिछले व्लॉग में भी यही बताया था, लेकिन कुछ फिजिकली प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं वो काम नहीं कर पाई। तो हमारा अभी नॉर्मल ही व्लॉग है, और इसके नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं जब यहाँ की सफ़ाई करती हूँ तो उसे मैं कैसे करती हूँ। और इसके बाद सीधे हम चलेंगे बाहर, क्योंकि अभी खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम था और भाभी को भी मार्केट जाना था थोड़ा सा सामान लाने के लिए। तो बस हम पहले थोड़ी देर बाहर बैठेंगे और उसके बाद आके किचन में अपना बाकी काम करेंगे। और यहाँ पर व्हील चेयर जब निकालती हूँ तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब आगे पीछे करिए व्हील चेयर तो थोड़ी सी उसमें फंसती है। तो सबसे पहले आके मैंने चाय ही बनाई थी, तो इसलिए मैंने उसके बर्तन भी धो दिए हैं। और यहाँ मेरी सब्जी की भी सारी तैयारी हो रही है लगभग, और यहाँ मैं टमाटर और मिर्च को पीसने जा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जब सब्जी कोई भी बनती है, जो भी हमारी असली सब्जी बनती है, उसमें टमाटर हमारे यहाँ पीस के ही पड़ते हैं, क्योंकि मैं और भैया दोनों को इससे प्रॉब्लम है। जब हमारे यहाँ सब्जी में कोई खड़े टमाटर आते हैं तो हम लोग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। हालांकि मम्मी और भाभी फिर भी खा लेती हैं, लेकिन हम लोग को बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। और ये हमें काफ़ी देर से ढूंढ रही थी हमारा छोटा वाला कुकर, क्योंकि मुझे सब्ज़ी बहुत ज़्यादा नहीं बनानी थी, मुझे कचौड़ी के हिसाब से थोड़ी ही सब्ज़ी बनानी थी और वो मुझे मिल नहीं रहा था। फाइनली मम्मी ने ही वहाँ से मम्मी उसी साइड खड़ी थी तो मम्मी ने मुझे निकाल के दे दिया है। और यहाँ पर थोड़ी देर में हमारी जब तक सब्जी बनेगी तब तक मैं सोच रही थी कि कचौड़ी की भी तैयारी कर लूँ। हालाँकि जब मुझे सेकना होगा तभी मैं उसमें मसाले डालूँगी, मैंने सिर्फ आलू को मैश करके उसमें धनिया डाल दिया था, नमक वगैरह भी नहीं डाला था, वरना हमारे जो आलू हैं वो पानी छोड़ देते। और बस जो हमारा एक दो बर्तन पड़ा था उसको भी फाइनली मैं साफ़ कर दूंगी, क्योंकि हम लोग की सबकी ही आदत है कि जब हम किचन में आते हैं तो जो भी बर्तन होते हैं उसको साफ़ करके हटा देते हैं, और ये आदत मुझे मम्मी से ही पड़ी है। और यहाँ पर भाभी गई हुई थी मार्केट को सामान लेने के लिए, तो मैंने जब तक यहाँ का किचन का जो हमारा काम था वो सारा कम्प्लीट कर लिया है। और इसके बाद भाभी जब पूजा वूजा कर लेंगी तो उसके बाद ही मैं खाना बनाना स्टार्ट करूंगी। और इसके बाद मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि हमारे यहाँ जो भाभी पूजा करती हैं वो किस तरह से होती है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी करके ही आपको दिखाऊंगी। और ये है हमारी भाभी, और बस ये हमारा शाम का टाइम है 8 बजे के आसपास, और भाभी बस पूजा कर रही हैं। और रचित ही यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा था, क्योंकि मैंने रचित से कहा था कि ये पूजा जो है भले हम लोग नहीं कर सकते लेकिन भाभी की प्लीज़ रिकॉर्डिंग कर देना। हालांकि उसके लिए मुझे उसको 10 रुपये भी देने पड़े चिप्स खिलाने के लिए। उसने कहा मैं तभी करूँगा आपका काम जब आप मुझे चिप्स खिलाओगी। और यहाँ पर देखिए भाभी की पूजा हो गई है, और भैया हमारे थोड़े दूर ही खड़े हुए थे। और बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई हमारा फेस्टिवल टाइम होता है, और इस टाइम से कहते हैं हमारे फेस्टिवल भी स्टार्ट हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब हमारी दिवाली वगैरह को आने में। और आज हमें खाना खाते खाते काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि मैं जब गई थी बनाने के लिए तो मैंने सबके लिए बनाया था, सबसे पहले भैया को और रचित को खिला के फिर मम्मी और मैं साथ में ही खा रहे थे, और भाभी की मैं सीख के आ गई थी। मैं आज के ब्लॉग में आपको काफ़ी चीज़ें दिखा दी हैं, अपने घर के बारे में भी दिखाया, घर की चीज़ों को भी दिखाया है, और ख़ुद का भी दिखाया कि मैं अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे चलती हूँ, और भी मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। और इसमें रचित ने मेरा बहुत साथ दिया है, और आज क्योंकि भाभी का फास्ट था तो मैंने थोड़ा सा उनको भी कवर करने की कोशिश की है। और बस इसके साथ ही मैं अपने वीडियो को आज के एंड करूँगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक फ्रेंड बाय बाय।